नमस्कार, मैं हूँ आरती परब। यह है प्रगति टाइम्स न्यूज रील। पेश है अभी तक की 5 बड़ी खबरें। कैलेंडर विवाद में गांधी की तस्वीर हटाने का विरोध करने पर नोटिस। आरबीआई को नोटबंदी के लिए एक दिन पहले मिला था नोटिस। जलीकट्टू के समर्थन में लगातार तीसरे दिन उग्र प्रदर्शन। गोवा में 405 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। उत्तर प्रदेश भाजपा में टिकट वितरण पर विवाद। खादी ग्रामोद्योग आयोग के कैलेंडर व डायरी से महात्मा गांधी की तस्वीर हटाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाने का विरोध करने वाले अपने कर्मचारियों पर केवीआईसी प्रबंधन की भरीकोटी तन गई है। आरबीआई गवर्नर ने बुधवार को संसद के वित्त मामलों की स्थायी समिति को बताया कि केंद्र सरकार ने 7 नवंबर 2016 को आरबीआई को नोटबंदी पर विचार करने के लिए बोर्ड की बैठक बुलाने का सुझाव दिया था। तमिलनाडु में बैल पर काबू पाने के बेहद लोकप्रिय पारंपरिक खेल जलीकट्टू के आयोजन पर लगे प्रतिबंध को हटाने और पशु अधिकार संगठन पेटा पर प्रतिबंध की मांग में लगातार तीसरे दिन बुधवार को उग्र जन प्रदर्शन जारी रहा। यहां तक कि प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री पनीर सेल्वम द्वारा प्रदर्शन खत्म करने के अनुरोध को भी ठुकरा दिया। गोवा में 4 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए निर्दलीय तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के कम 405 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख 21 जनवरी है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी के भीतर टिकट वितरण को लेकर सवाल उठने लगे हैं। भाजपा की पहली सूची में शाहजहांपुर के ददरोल से टिकट की दावेदारी कर रहे राकेश कुमार दुबे ने टिकट न मिलने पर आत्मदाह की चेतावनी दी है।